मैं विक्की बर्तवाल और सामने खड़ी है ऑल न्यू रॉयल इनफील्ड हिमालयन 2021 मॉडल। आज इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस है और क्या स्पेसिफिकेशन है इस बाइक के और क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरा चैनल नया है, आपका ऐसा करने से मुझको और मोटिवेशन मिलती है। बात करें हिमालयन की तो हिमालयन की कंपटीशन में बाइक जो है वो KTM की ड्यूक एडवेंचर आती है और जो रॉयल इनफील्ड हिमालयन थी पहले BS6 से पहले इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो कि अब 2021 में जब कंपनी ने रीलॉन्च करी है इस बाइक को तो वो सारी कमियां दूर कर दी है इस बाइक में। ये बाइक उनके लिए कंप्लीट पैकेज है जो टूरिंग करना चाहते हैं और टूरिंग के लिए एक बाइक देख रहे हैं। ये कम बजट में, अगर आपका कम बजट है तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि बाकी टूरिंग बाइक्स आती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ये बाइक उन बाइकों के कंपेयर काफ़ी चीप है। बात करें इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की, नोएडा उत्तर प्रदेश में ये 236,615 रुपये की है। इसके 9 कलर ऑप्शन आते हैं और क्या कहते हैं, इसमें आपको वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि एक आप एक एक ऑफ रोड बाइक के लिए देख रहे हैं। जैसे कि इसमें आपका विंड वाइज़र है जो कि विंड वाइज़र आपको विंड नॉइज बजाता है, वहीं इंडिकेटर्स है इसमें, बल्ब इंडिकेटर्स हैं और जो फ्रंट की लाइट है वो आपकी हैलोजन हेडलाइट है जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है जो कि 12 वाट की लाइट है। इसमें जैसे आप इसमें की ऑन करते हैं आपके इसमें फ्रंट में एक लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। वहीं इसमें बात करें इसके मगाट की फेंडर की तो इसका फेंडर भी स्टील का है जो कि इस बाइक को काफ़ी टफनेस देता है। वहीं बात कर लेते हैं अब इसके ब्रेक व्हील और सस्पेंशन की तो इसमें ड्यूल चैनल ABS आता है, वही इसमें जो ABS है वो स्विचेबल ABS है। वहीं पर ही इसका जो फ्रंट का डिस्क है वो 300 mm का है और रियर का 240 का। फ्रंट का टायर जो है इसका 90-90-21 का है और वहीं रियर का 120-90-17 का है। इसके टायर ट्यूब टायर्ड है और स्पोक व्हील्ड है, बस एक इसमें यही कमी है कि इसमें ट्यूब टायर्ड है जो कि इस कंपनी को टूरिंग पर्पज़ की बाइक में ट्यूबलेस टायर देने चाहिए थे जिससे कि कोई भी बंदे अगर ऑफ रोड जाता है तो प्रॉब्लम ना हो। वहीं बात कर लेते हैं इसके, अब हम इसके बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के सस्पेंशन की तो फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है 41 mm का फोक्स में 200 mm ट्रैवल, वहीं रियर में मोनोस्पोक है। अब बात कर लेते हैं इंजन की तो इंजन इसमें 411 cc का इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.3 Nm, वहीं मैक्सिमम टॉर्क 32 Nm का। सिंगल सिलेंडर इंजन है, एयर कूल्ड 5-speed गियर बॉक्स है, क्लच इसमें वैट मल्टीपल क्लच है, फ्यूल इंजेक्शन है। वहीं पर मीटर की बात कर ले तो मीटर इसमें एनालॉग एज वेल एज डिजिटल है, इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं राइट हैंड साइड में आपका इंजन कुल स्विच और आपका इंजन स्टार्ट के लिए, बाइक स्टार्ट के लिए, वही लेफ्ट में इसमें आपका लो बीम हाई बीम और इंडिकेटर और आपका हॉर्न स्विच है। बात कर लेते हैं इसकी टैंक की तो टैंक इसका आपका 15 लीटर का टैंक है और टैंक एवरेज जो इस बाइक आराम से देती है वो 30 का एवरेज आराम से देती है। टैंक गार्ड इसमें लगाया हुआ है, जैसे कि बाइक अगर ऑफ रोड है अगर थोड़ा बहुत गिर जाती है तो टैंक की सेफ्टी के लिए, पहले ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था जो कि चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब कंपनी ने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। वहीं टैंक में ब्लैक कलर का ग्राफिक है जो बाइक के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। वहीं पर ही आपके जहाँ पर बैटरी रहती है वहाँ पर हिमालयन की बैजिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और बाइक को काफ़ी ऑफ रोड लुक देती है। वहीं पर जो इसका जो चेन सिस्टम है ओपन चेन सिस्टम है जिससे कि चेन क्लीन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सीटिंग की बात करें तो इसमें ड्यूल सीटिंग सेटअप है जिसमें कि आपका पिलियन और राइडर के लिए अलग अलग सीटें हैं और सीट काफ़ी अच्छी है। बस इसमें एक बात है, अगर आपकी हाइट अगर 5'5" से ऊपर है तो आपके लिए बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर उससे छोटी आपकी हाइट है तो चलाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बाइक काफ़ी ऊँची है। बाइक की सीटिंग की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, आप लॉन्ग राइड इसमें आराम से कर सकते हैं। वही पिलियन के लिए इसमें ग्रैब ग्रिल है, पीछे आपका सैडल बैग वगैरह बांधने के लिए रखने के लिए उसमें ऑलरेडी ये लगा रखा है जिसमें कि मैक्सिमम लोड 7 kg दिखा रहा है लेकिन आप 10 से 15 kg आराम से रख सकते हैं। वहीं पर ही बैक का टायर की बात करें तो जो बैक का टायर है वो आपका 120-90-17 का टायर है और ये भी ट्यूब है, ट्यूब टायर है और ये आपका आप पिलियन के लिए फुट रेस्ट है इसमें दे रखा है और साथ ही साथ इसमें जो रियर का जो शॉकर है वो मोनो शॉक विथ लिंकेज 180 mm व्हील टायर ट्रैवल शॉकर है। बैक की लाइट जो है ये LED लाइट है और वहीं इंडिकेटर जिसके बल्ब इंडिकेटर्स हैं, नीचे की तरफ देखें तो ये नंबर प्लेट लगाने की जगह है और नंबर प्लेट के ऊपर ही आपकी एक वाइट लाइट है जो कि आराम से रात को आपके नंबर प्लेट को दूर से दिख जाती है। वहीं पर ही एक रिफ्लेक्टर दे रखा है
बाइक का एडजस्ट देखें तो एडजस्ट के जो देखने में काफ़ी अच्छा लुक और रग लुक देता है, जो कि अल्मोनियम एज वेल एज ब्लैक क्रोम का वर्क किया हुआ है, और साइलेंसर काफ़ी लंबा और साइलेंसर ऊपर की तरफ दे रखा है जिससे ये एक स्पोर्टीनेस देता है। वहीं पर ही जो बाइक की जो लुक है काफ़ी बैक साइड की, वो देखने में काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं ये बाइक आपको इस प्राइस रेंज में लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूँ। इसका वेट आपका 199 kg है, वहीं पर ही व्हील बेस 1465 mm है, सीट हाइट 800 mm की है। अगर आपका प्राइस 2 से 2.5 लाख है और आप एक ट्रैवल टूर ऑफ रोड बाइक देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बाइक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।